नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। ताजा मामला दरभंगा से है, जहां पर शराब माफियाओं ने सरकारी स्कूल में ही अपना गोदाम बना डाला है, जिसकी सूचना मिलते ही CIT की टीम छापेमारी की और शराब की 70 बोतलें जब्त की है। देखिए, बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। शराब माफियाओं ने सरकारी स्कूल को ही अपना गोदाम बना डाला है। CIT की टीम ने छापामारी कर शराब के साथ स्कूल के प्रिंसिपल को अरेस्ट किया है। पुलिस उस प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है। मामला दरभंगा जिले के VV थाना इलाके की है, जहां आजम नगर गाँव में स्थित +2 मुकुंदी चौधरी स्कूल के पर्याप्त भवन में 70 बोतल शराब CIT की टीम ने जब्त किया है। CIT के अफसर ने बताया कि स्कूल के भवन में शराब की सूचना मिली थी, जिसके बाद SSP के निर्देश पर छापेमारी की गई। इस दौरान तकरीबन 70 बोतल शराब पुलिस ने जब्त किया। CIT के अधिकारी ने बताया कि +2 मुकुंदी चौधरी स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि अब इन्हें विश्वविद्यालय थाना की टीम को ही सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी दरभंगा में स्कूल से शराब की बोतलें जब्त की गई है। पिछली बार मणिकाछी थाना क्षेत्र के चकपसवा गांव के सरकारी मध्य विद्यालय को शराब माफियाओं ने प्रिंसिपल के साथ मिलकर अपना गोदाम बनाया था। उस वक्त पुलिस ने छापेमारी कर क्लासरूम से 200 कार्टून शराब बरामद किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। पूरा CIT की टीम यहां पहुंची थी थाने की पुलिस, सामान को जब्त करके हम लोग थाने ले जाना। आधा नहीं रही था, नहीं रहा था। इस बीच में क्या हुआ, थोड़ा आज पुलिस का छापा पड़ा है तो बंद रूम में प्रत्येक बिल्डिंग में टूट डैमेज बिल्डिंग है, उसी में से जो है शराब का ब्रांड जो उसमें जो है रिकवरी हुआ है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय की गुप्त सूचना के अनुसार हम लोग आए यहाँ अपना एंटी डाथ लीकर फोर्स जो है जो CIT वर्क, वहीं हम लोगों को गुप्त सूचना मिला था साहब के द्वारा, बड़ा साहब के द्वारा। यहाँ के यहाँ जो यहाँ शराब मिलता है, हाई स्कूल मुकुंद चौधरी जो हाई स्कूल है, इसीलिए वहीं ताला डबल ताला मारा गया था। उसी में हम लोग बड़ा बाबू का यहाँ के प्रिंसिपल जो है उनको बुला के उनके समक्ष ताला को खुलवाया गया, जिसमें 78 पीस के दारू मिला है, जिसके इसके बीच में सब्जी मंडी था, लोग नहीं आ जा पा रहे, जिसके चलते हो सकता है कि जो आदेश पान लोग ध्यान नहीं दे पाए। आदेश पान ही सारे बिल्डिंग के जितना भी ताला है, चाबी है, कमरा है, उसका देखभाल कर सकते। आप कहने की उन पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई करने के लिए पहली बार गलती हुई है, भगवान भी माफ करता है, चाहेंगे कि प्रशासन एक बार मौका दे। सरकारी भवन में सामान मिला, आप कहते हैं कि भगवान माफ करे? सरकारी बहुत बार ऐसा घटना, आप सरकारी कर्मी है, ऐसा बात आप बोल रहे हैं।